हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी पोएम टू अ स्काईलार्क का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक इस पैरा तक कंप्लीट किया था, जिसमें कि स्काईलार्क को नेचर की सीक्रेट ब्यूटी, जो हिडन ब्यूटी है, उससे कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि वो एक रोज़ के समान है, जिसकी की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटीनेस है, जो ब्यूटी है, वो अपनी ही लीव से कवर्ड है, लेकिन वह फिर भी हम तक अपने आने का जो रास्ता है वो ढूंढ लेते हैं बाय द विंड, बाय द वार्म विंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास। नाउ हियर शेले इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द मोर ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ नेचर। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स, वर्नल शावर मीन्स रेन, जो रेन का जो म्यूजिक है, ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, जो ग्रास पर, जो ज़मीन पर जो रेन जब गिरती है तो उसका जो म्यूज़िक होता है, उसकी जो आवाज़ होती है, जो भीनी भीनी, वह म्यूज़िक रेन अवेकन फ्लावर्स, और वह रेन जो फूलों को उनकी नींद से जगा रही है। ऑल दैट एवर वॉज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश दाय म्यूज़िक डॉट सरपास। इस नेचर में केवल इतनी ही खूबसूरती नहीं है, इवन यह नेचर बहुत ही जॉय थिंग्स से, क्लियर इमेजेस से, फ्रेश इमेजेस से, फ्रेश चीज़ों से भरी हुई है। बट दाय म्यूज़िक डॉट सरपास, बट द लार्क्स म्यूज़िक इज स्टिल इज मच बेटर दैन ऑल द ब्यूटीज ऑफ नेचर। इन सब इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटिफुल इमेजेस जो नेचर की, जो शैली ने इसमें बताई हैं, वो बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से ऊपर है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेटर है स्काईलार्क का म्यूज़िक। ये सब चीज़ें भी शैली को पसंद नहीं आती हैं, किसके आगे? स्काईलार्क के म्यूज़िक के आगे। टीच अस स्पिरिट और बर्ड। तो शैली इसमें स्काईलार्क से बोलते हैं कि टीचर्स स्पिरिट और बर्ड, कि इसमें एक स्पिरिट, एक फेयरी को रिफ़र किया गया, एक परी के समान उस बर्ड को बोला गया है। नाउ ही अगेन चेंजेस हिज टोन फ्रॉम दिस पैरा, नाउ ही डायरेक्टली टॉक्स टू द बर्ड। अब यह हमें फिर से रिमाइंड करवाते हैं कि पोएट खुद श्योर नहीं है कि ये बर्ड नेचुरल है या सुपर नेचुरल वर्ड से जुड़ी हुई है। वो खुद इसकी इमेज को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद इसका कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि इसका म्यूज़िक इतना सुंदर है, इतना अमेजिंग है, कि मैं इसका म्यूज़िक किस चीज़ से कंपेयर करूँ। नेचर की इतनी खूबसूरत इमेजेस लेने के बाद भी वो कन्फ्यूज्ड हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं कि फिर भी इसका म्यूज़िक इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा है, तो मैं किससे कंपेयर करूँ इसके म्यूज़िक को, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके म्यूज़िक से ज़्यादा बेटर हो सकती है। वो बोलते हैं कि टीचर्स स्प्राइट और बर्ड, कि तुम हमें सिखाओ, हमें टीच करो, तुम हमें बताओ, व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, कि तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से आर्ट है, कौन से ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं इस बर्ड के सॉन्ग के पीछे, कि वह बर्ड को जो आर्टिस्ट की तरह देखता है और उसके सीक्रेट्स को जानना चाहता है इसमें। वो बोलते हैं शैली इसमें कि दिस बर्ड इज लाइक एन आर्टिस्ट एंड ही वॉन्ट्स टू नो इट्स सीक्रेट आई हैव नेवर हर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुने हैं। तो इसमें वह पोइट्री को स्काईलार्क के सॉन्ग से कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी आर्ट है, ऐसी कौन सी तुम्हारी सीक्रेट हैं जो हमें नहीं पता है और जो हमने कभी नहीं सुने हैं। प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पैंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। वह बोलते हैं कि एनीथिंग सो फुल ऑफ जॉय एज इट्स सॉन्ग, कि जो जॉय, जो हैप्पीनेस इसके सॉन्ग को सुनने में मिलती है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पैंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। वो बोलते हैं कि उसका जो म्यूज़िक है वो बहुत डिवाइन है, वो बहुत दैवीय है। वो इसमें अपनी पोइट्री को स्काईलार्क के सॉन्ग से कंपेयर करते हैं। कोरस हाइमेनल और ट्रम्फिनल चैंट
वह बोलते हैं कि इसमें फिर से वह अपनी पोइट्री को, ह्यूमन पोइट्री को स्काईलार्क के सॉन्ग से कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो केवल टू टाइप की पोइट्री को जानता हूँ, कोरस हार्मोनल जो होते हैं वो होते हैं वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं जो किसी की वेडिंग पर गाए जाते हैं, और जो ट्रम्फिनल जो सॉन्ग्स होते हैं, चैंट होते हैं, वो किसी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए गाए जाते हैं। पर ये दोनों ही जो सॉन्ग्स हैं वो स्काईलार्क के सॉन्ग जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। मैच्ड विद डाइन वुड बी ऑल, कि कोई भी ह्यूमन पोइट्री बट एन एम्प्टी वॉन्ट, एम्प्टी वॉन्ट मीन्स मीनिंगलेस बोस्टिंग, मीनिंगलेस बोस्टिंग, अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वॉन्ट। वो बोलते हैं शैली कि कोई भी ह्यूमन पोइट्री, एनी ह्यूमन पोइट्री कैन नॉट स्टैंड अप टू द स्काईलार्क्स ट्यून, स्काईलार्क्स म्यूजिक, स्काईलार्क के सॉन्ग के कंपैरिजन में कोई भी पोइट्री मीनिंगलेस दिखाई देती है। वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ thy happy strains? अब इसमें वो फिर से उसके हिडन सीक्रेट को जानना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स, कि जो फाउंटेन्स हैं उनके क्या ओरिजिन है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑफ thy happy strain मतलब मीन्स जो इसमें जो स्काईलार्क का जो म्यूजिक है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन्स जो उसकी हैप्पी मेलोडीज हैं, स्ट्रेन्स मीन मेलोडी, जो उसका जो सॉन्ग है विच इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस जॉय, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। वॉट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, वॉट शेप्स ऑफ दाई स्काई और प्लेन, वॉट लव ऑफ दाई ओन काइंड, वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन। तो इसमें बोलते हैं कि इसे कौन इंस्पायर करता है, स्काईलार्क किससे इंस्पायर होती है, क्या वो नेचर की कोई चीज़ें हैं, क्या वो नेचुरल वर्ल्ड की दूसरी कोई चीज़ें हैं जैसे कि फील्ड्स, वेव्स, माउंटेन्स, या फिर वो स्काई की और प्लेन की कोई शेप है जिसकी, जिससे कि वो इंस्पायर होती है और वो इतने सुंदर म्यूजिक्स को गाती है, इतने सुंदर गाना गाती है। विद डाई क्लियर वॉट लव ऑफ thine ओन काइंड, वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन। तो वो बोलते हैं कि क्या उसका कोई लव है स्काईलार्क का, कि जिसकी वजह से वो इतनी खुश है, उसका कोई अपना खुद का लव है क्या। वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन, मे बी वो जॉय में गाती है क्योंकि वह किसी के पेन को नहीं जानती है कि वो पेन क्या है। जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था कि शायद स्काईलार्क इस बात को जानती है कि इन सब दुखों से जो बचने का जो एक ऑप्शन है वो एक डेथ है, और इस बर्ड को ये डेथ नहीं आ सकती क्योंकि इसको स्पिरिट से कंपेयर किया गया है और स्पिरिट तो नहीं मरती है। तो शायद दैट्स व्हाई शी इज़ हैप्पी एंड सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स विच फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो इसलिए शायद वो इतने अच्छे गाने गाती है, या तो वह किसी के प्यार में है, या फिर उसका कोई अपना ओन लव है, या फिर वो किसी भी पेन को, किसी भी जॉय को जो है वो नहीं समझती है, किसी भी पेन को, इसलिए वो इतनी खुश है और इतने अच्छे अच्छे, इतने हैप्पीनेस जॉय देने वाले म्यूजिक्स गाती है, सॉन्ग गाती है। विद thy क्लियर keen joyance, कि जब उसके जो शार्प, जो मार्मिक मतलब मन को छू लेने वाले जो फुल ऑफ जॉय जो सॉन्ग्स हैं उनको सुनता है वो शेले, सो ही कैन नॉट इमेजिन कि वह किसी डिप्रेशन में भी हो सकती है। जब वह उसके म्यूजिक को सुनते हैं जो मन को छू लेने वाले होते हैं, जो इतने शार्प होते हैं, जो हैप्पीनेस और जॉय से भरे हुए होते हैं, उनको सुनने के बाद शैली को नहीं लगता कि वो किसी डिप्रेशन में भी हो सकती है, कि उसे कोई दुख भी होगा, शैडो ऑफ एनोयंस, कि उसको
उस तक किसी की चिढ़ की या फिर जलन की कोई परछाई भी उस तक छुपाती होगी उसको. नेवर केम नियर दी, कि कोई भी जलन या फिर चिढ़ की जो भावना है वो भी वो तक उस स्काईलार्क के पास नहीं आती होगी. दैट्स वाई शी इज़ सो हैप्पी एंड सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. Thou lovest but never knew love sad sighty. कि स्पीकर्स में इमेजिन करते हैं कि बर्ड कैन फील लव बट नॉट द साइटी असिटाइटी, कि जो बर्ड है वो लव को फील कर सकती है लेकिन शायद वो सैडनेस को, दुख को फील नहीं कर सकती.